पानी हटाओ, एमएन बचाओ, एमएन बचाओ, दादा उस्मानी, हाय हाय, दादा उस्मानी, हाय हाय, दादा उस्मानी, हाय हाय, दादा उस्मानी, हाय हाय। इधर क्या कहेंगे आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर? हम लोगों ने जो सादा उस्मानी के बनाए हुए पदाधिकारी हैं, पहले के चार साल पहले जो बनाए थे, तो अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें सादाब उस्मानी ने जो काम किया, एक पार्टी से सपोर्ट ले करके और टिकट दिलाना, और फिर अब उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे, सिर्फ जो है चार लोगों को ले कर फॉर्म भरना, चार लोगों को ले करके वापस करके दूसरे पार्टी को सपोर्ट दे देना। अब लोग बोलते हैं कि पैसा लेकर के, मतलब कि ये लोग ऐसा काम किए, कमाने के लिए काम करते, तो अब इनको पार्टी से कोई लेना देना, मतलब सरोकार नहीं है, और भिमंडी की जनता उनको दलाल के नाम से पुकारती है, लोग गाली से बात करते हैं, और साथ में MIM पार्टी की छवि खराब हो गई। यहाँ लोग साबित कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हारा सादाब BJP की भी टीम है, तो ऐसे लोगों को साथ में ले करके और इनको जिम्मेदारी दे करके और विधानसभा का इलेक्शन कराएंगे, तो फिर वही हालात रहेंगे, चार लोग वो रहेंगे, चार कार्यकर्ता रहेंगे उनके, चार से ज़्यादा नहीं है, 30-35 ये अपना पदाधिकारी बनाए थे जिसमें चार लोग उनके साथ हैं, बाकी सब जो है उनकी नीति के खिलाफ है। तो अभी हम लोगों की मांग ये है कि मतलब इनको यहाँ विधानसभा के इलेक्शन में जो है इनके नेतृत्व में इलेक्शन न हो, और इनको जो है पार्टी से ही निष्कासित किया जाए, इसके लिए कि इन्होंने पार्टी की छवि को ख़राब कर दिया है। अभी जो है इनको जो है सिर्फ पैसा चाहिए, मकसद उनका पैसा कमाना, पार्टी जाए भाड़ में जाए उनसे। आप एक आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा में जो पैसा लेके पार्टी को बेचा है, तो ये कैसे आप सिद्ध करोगे? उनके साथ में जो लोग काम किए वो लोग खुद बताए हमसे, हम तो साथ में उनके थे नहीं, हम तो खामोश थे, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, बाकी जो है लेकिन आप अपने पार्टी के ही नेता पर जो है बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप जो है सही आरोप है कि आपने कहा कि लेन देन का व्यवहार किया। सुनिए, अभी इलेक्शन के टाइम में उन्होंने जो है भाजपा के कार्यालय में गया और उसकी वीडियो चली, आप लोगों को मालूम है, तो अब वो क्या करने गए थे, रिश्ता खोजने गए थे, उन्होंने खुलासा किया है कि काफ़ी पुराना वीडियो, वो तो अलग एक प्लानिंग के हिसाब से वो जो है फ़ोन करके सेटिंग किए, बात जो है वाकई में वो जो है सही है, और वो पैसा भी बांटा गया है, और ये कह करके बांटा गया है कि मतलब उसके जरिए आया है, तो अब कहने का मतलब है कि अभी वारिस पठान का प्रोग्राम हुआ था ईद मिलादुल नबी का के मौके पर, तो अब उसमें जो है कहा गया कि दारुस्सलाम से पैसा आया है, ये खर्च करके और कार्यकर्ताओं को और लोगों को मतलब मिलाने के लिए कि मतलब कितनी ताकत है, ताकत दिखाने के लिए, लेकिन रह गया सवाल कि वो पैसा बाद में पता चला कि भाजपा से आया था, तो अभी हमारे सामने आप बोलोगे कि क्या सबूत है, तो हमारे सामने तो आया नहीं, लेकिन जनता से पूछिए, जनता बताएगी ना। नहीं, जनता बताएगी, लेकिन ठीक है, आप तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में पार्टी के एक नेता के ऊपर ही आप इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके वरिष्ठ जो है कार्यकारी अध्यक्ष है वो, और आप इस तरह से अगर आरोप लगाएंगे तो आपके पास कुछ तो रहना चाहिए ना, पूरा आप मतलब लेन देन की बात कर रहे हैं, तो उस समय आप भी उनके साथ पे थे क्या? साथ में नहीं था, लेकिन जो कार्यकर्ता साथ में थे उनको पैसा मिला। आज क्यों निकाल रहे हैं, चुनाव खत्म हुए अभी, तो आज विधानसभा का इलेक्शन है, ऑलरेडी हम लोगों ने जो है मतलब 17-18 पदाधिकारी अपने अपने जो है लेटर पैड पे लिख करके और इम्तियाज जलील साहब के पास जो है एक महीना पहले हम लोग दे दिए हैं। चार उस्मानी का विरोध रहेगा, और जो भी उम्मीदवार सादा उस्मानी लाएगा हम उसका विरोध खुल के करेंगे, क्योंकि सादा उस्मानी लोकसभा में अपने आप को बेच चुका है, इस बार भी बेचने का, जैसे गुंजन सेठ ने मुमरा में किया, यही MLA के इलेक्शन में लोग यही करने का प्लान चाह रहे हैं लोगों का, और हम होने नहीं देंगे। इस बार MIM पूरे मजबूती से, जो टीम में बैठी है MIM की, वही असली MIM है, सादा उस्मानी मतलब जीरो, क्योंकि उसके पास कोई लोग नहीं है और ना होंगे, क्योंकि पॉलिसी अंग्रेज वाली करता है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है उसके पास, तोड़ो राज करो, इसको मेरे खिलाफ भड़काता है, उसको मेरे खिलाफ भड़काता है। MIM सादा उस्मानी जिसका भी जो भी टिकट का उम्मीदवार उसके पास जाएगा, हम उसका खुलकर विरोध करेंगे, और MIM क्लियर करना चाहती है इस बार कि हम MIM के अंदर 7 क्षेत्रीय का उम्मीदवार चाहिए, जो अच्छा कैंडिडेट कार्यकर्ता हो, अच्छा समाज सेवा हो, हम उसको उम्मीदवार चाहते हैं MIM की तरफ से। सवाल ये है कि भिवंडी शहर से सादाब उस्मानी MIM का सदर कहते हैं अपने आप को, क्या ये आप लोगों को मालूम है कि आप लोग जानते हुए? ये झूठ बात है,
ये झूठ बात है। गफ्फार कादरी की जो क्या नाम है अमोल कामले की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी वो रिकॉर्डिंग सही थी। ये लोग साले खालिद गुड्डू साहब है नहीं, वो गलती से उनसे लिख दिया गया था फेसबुक से, वो गलती से हो गया था। गलती नहीं होती, गलती उसमें नहीं होती। अरे सदर जो है वो आप ये मानते हैं सदर आज भी खालिद गुड्डू, आज भी खालिद गुड्डू सदर है। नहीं भाई क्या कहेंगे सदर उस्मानी के विरोध में आज आप लोग ने पत्रकार परिषद रखी है, आपका क्या कहना है इस पर? इस पे मेरा ये कहना है कि मैं शादाब उस्मानी के नेतृत्व में 2019 में MIM ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 4 साल चला, कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में देखो 5 साल से मैं आप ही चला रहा हूँ। उसके बाद जो लोकसभा का इलेक्शन आता है तो हम लोग उसको लगातार बोलते भाई अगर हमारी कोई कैंडिडेट खड़ा है और तो हमको बताओ, लेकिन ये 30 तारीख तक नहीं बताया। अचानक 3 तारीख को फ़ोन करता है कि हम लोग निकल गए फॉर्म भरने जा रहे हैं फॉर्म, तो हम लोग बोले ये गलत भाई बात है, आप फॉर्म 3 लोग कैसे भरने जा सकते हो, कम से हमसे पूछो, हमको तुम पोस्ट होल्डर बनाए हो तो हम हमारे से राय पूछो, आप मेरे को विधानसभा अध्यक्ष बना दिए हमसे पूछ नहीं रहे हो 3 लोग फॉर्म भरने चले जा रहे हो, अरे हमसे तो पूछो। मेरा विरोध यही है उससे, ये जो काम करा है शादाब उस्मानी ने गलत किया है, उसके कांधे से कांधा मिला के हम लोग 5 साल चले, जितने भी प्रोग्राम हुए आपके माध्यम से मैं बता दूँ, आपके न्यूज़ में भी होगा, ज़्यादातर वार्ड नंबर 12 में हुए, मैं करवाया हूँ फॉर्म, कहीं ना कहीं उसके कांधे से कांधा मिला के जो पैसे का आरोप लग रहा है मैं पूरा कहीं स्टेट वाले को मैं 5,000 रुपया दिया, हर चीज़ का खर्चा मैं ही उठाया हूँ, मैं इसका प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर फॉर्म लेने की बात है तो 3 लोग जाके फॉर्म वापस ले, हमको तो पूछो शादाब भाई कि हमारे को खाली यूज़ करना सीखे 5 साल, हमसे पूछो ना पोस्ट होल्डर बनाए हो, आज 5 साल से हमको पोस्ट होल्डर कुछ ना कुछ पार्टी के लिए कुछ हो, हम अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं, ऑफिस का जो खर्चा चला कोई पार्टी लेवल से नहीं देता, मैं मेरे जेब से दे रहा हूँ अपने पास से दे रहा हूँ, जब भी पार्टी पे कोई मुसीबत आता है प्रोग्राम करना है तो कलीम के पास आके कलीम से पैसा लो, मैं प्रूफ करता हूँ हर चीज़ के कि जितना भी प्रोग्राम हुआ उसमें मेरे पैसे के बेस पे किया हो, मैं उसके नाम से कुछ नहीं किया हो। लेकिन फिर अभी लोकसभा पे ऑफलाइन हुए फिर ऑनलाइन हो गए, कोई ना कोई को लड़ाने जा रहे हैं, अरे भाई हमसे तो पूछो कि खाली हमसे रैलियाँ करवाओगे लोगों को बुलवाओगे, हमसे पूछो आप कैंडिडेट लड़वाओ रहे दोनों जगह कैंडिडेट लड़ाने बोल रहे तो लड़ो हमसे पूछो। आपका कहने का मतलब किसी प्रकार की मतलब साथ में लेके चलते हैं, किसी प्रकार की कार्यकर्ता को उनको कुछ नहीं पड़ी, कार्यकर्ता एक नाराज होएगा दूसरा ऑलरेडी तैयार हो जाता, देखो अभी 2-3 लाइन में लगे हुए तो कलीम को क्यों पूछेगा, इसको क्यों पूछेगा भाई, उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई बेवकूफ बनने चला जा रहा है। अरे भाई इसको जो मामले में अजम खान का चार हो गए, क्योंकि देखा गया तो लोकसभा में उन्होंने लड़ा, उसके बाद विधानसभा में भी उनका कहना है कि वो लड़ेंगे। नहीं लो अकरम भाई का कहना है कि अकरम भाई कौम मिल्लत के लिए बैठ गए, उसके बाद 4 साल में क्या काम किया कौम मिल्लत के लिए, आओ ना सामने, फिर अभी उठ के आ गए इलेक्शन में कि हम कौम मिल्लत के लिए, फिर आएंगे हम क्या प्रूव करके कैंडिडेट लड़ेगा, फिर 2 दिन बाद बोलेंगे भाई कौम मिल्लत के लिए हम बैठ रहे हैं कि यही चलते रहेगा पार्टी में, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा आपके चैनल से मतलब यही है कि ये पार्टी के अलग हमारे लोग को भी आदेश है कि भाई अपना जल्द से जल्द अपना इधर आके सब सही करो, सिस्टम जो भी है कार्य अध्यक्ष को जो भी पलटी करना करो, नहीं तो शादाब उस्मानी के नेतृत्व में अगर इलेक्शन हुआ तो जो भी कैंडिडेट आएगा खुल के विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो MIM का पट्टा डाल के विरोध करेंगे, क्योंकि मैं 5 साल MIM को दिया हूँ, शादाब उस्मानी को दिया हूँ, इसका मैं जो हिसाब मांगू इलेक्शन में। अच्छा भाई इलेक्शन लड़ते तो क्या आप लोग उनके साथ में रहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जलाल अहमद अंसारी, मैं भिवंडी युवा सचिव था, शादाब उस्मानी के नेतृत्व में 4 साल से काम किया, उसके बाद फिर गफ्फार कादरी साहब आके मुझे लोकसभा उपाध्यक्ष बनाए, 4 साल से 4 साल उनके साथ काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह भिवंडी में आप देखेंगे कार्य MIM के सीनियर जितने भी लीडर है वो थोड़े कुछ ना कुछ रीज़न लेकर पार्टी को बेचा है, और उसी तरह शादाब उस्मानी ने भी किया है, पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जैसा कि मैं यहाँ पे जितने भी MIM के कार्यकर्ता मौजूद है और बाकी जो मौजूद नहीं है उन लोग ने भी सब अपनी नाराज़गी अपने लेटर पेड पे जता के इम्तियाज़ अली साहब के पास कंप्लेंट दर्ज कराई है, इम्तियाज़ अली साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आप भिवंडी में आए और चेहरा बदलिए, जितने भी पुराने वर्कर है उनको हटाइए और नया लाइए, क्योंकि सब अपना अपना मुफाद देख रहे हैं। और शादाब उस्मानी से हम लोग की बात हुई कि भाई ये जो हंगामा हुआ है, जो पब्लिक के बीच में मैटर चल रहा है कि यार BJP के बंगले पे तुम क्यों दिखे, फिर चोर के माफी इलेक्शन का फॉर्म क्यों भरे, हम लोग ने मुखालिफत की कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई पार्टी की तरफ से आया हुआ है, B फॉर्म आ चुका है, हमको लड़ना पड़ेगा, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल था, पार्टी का आदेश था, हमको मानना पड़ा, पब्लिक की कुछ बातें भी हम लोग को सुननी पड़ी, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे मालूम जब पढ़ना चालू हुआ कि यार ये सब काम तो अलग हो रहा है, जनता भी अलग अलग रिव्यू दे रही है और कार्यकर्ता भी नाराज़ हो रहे हैं, तो फिर कोई शानवाज आलम आता है, वो उसका नाम बोलते कि दारू सलाम से आया हुआ है,
हम लोग बड़े खुश हुए कि दारू सलाम से आ रहा है, भिवंडी देख रहा है, मतलब अच्छी खबर है। तो फिर उसके बाद खुलासा होता है कि यार तो बीजेपी का आदमी है, तो सदा उस्मान शाहनवाज आलम। तो फिर सदा उस्मानी से बात करते हैं हम लोग, तो क्या भाई ऐसा ऐसा मामला है, तो बोलते हैं भाई राजनीति में सब चलता है, लेकिन मैं सदा उस्मानी को बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आप राजनीति कर रहे हो आपके लिए चलता है, लेकिन हम ये पार्टी से जुड़े हुए, हम एक तहरीक समझ के जुड़े हुए, हम अपना पर्सनल पैसा लगा रहे हैं पार्टी के लिए, हम इसको एक तहरीक मानते हैं, हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो सदा उस्मानी ऐसे आदमी आते रहेंगे और पार्टी का सौदा करते रहेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है पार्टी से। असद साहब आज पार्टी के लिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे, हर मुसलमानों की हर मजलूमों की आवाज़ उठा रहे, तो आज ये वक्त आया है MIM के भिवंडी के कार्यकर्ताओं के पास कि असद साहब के हाथ को मजबूत करना, और इस तरह सदा उस्मानी जैसे जो नालायक बंदे बैठे हुए पार्टी में, जो पार्टी के वर्कर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, असद साहब की बातें बताते हैं, फिर उसके बाद सौदा कहीं और करते हैं, तो ये होने नहीं देंगे। मेरी चैनल के माध्यम से आला कमान से रिक्वेस्ट है कि भाई ये बात को संज्ञान ले, और ये पुराने जितने भी कार्यकर्ता है जैसे सदा उस्मानी है और उनके साथ में भी दो तीन है, उनको हटाया जाए, नए नए कार्यकर्ताओं को लाया जाए। पार्टी का बहुत क्रेज है भिवंडी में, चाचर पाँच पाँच पुराने कार्यकर्ता जो भी है जो लगे हुए, जैसे अमजद सिद्दीकी है, फरीद खान है, मतलब ऐसे जो भी है, मतलब जो अपने आप को सीनियर बताते हैं। सीनियर बताने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मनमानी करो। अरे युवा पीढ़ी देखो आज MIM को कितना लाइक कर रही है, युवा पीढ़ी बढ़ना चाहती है। अभी मेरे साथ में कम से कम 20-25 कार्यकर्ता है जो मजलिस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जुड़ाऊँ? सदा उस्मानी के नेतृत्व में कैसे काम करेंगे वो? मैं खुद 4 साल से हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं उससे, क्योंकि सदा उस्मानी जो MIM पार्टी की भिवंडी शहर में छवि खराब कर रही है भाई, बिल्कुल छवि खराब कर रहे हैं। अब जनता के बीच में देखो, जनता जो हम लोग को रिस्पेक्ट देती है आज वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। जो उन लोग ने MP के इलेक्शन में आपने कांड किया है उससे नुकसान कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ा। आज 4 लोग को लेके उन लोग फिर लोकसभा से जो गायब थे अब विधानसभा में आए हैं, आज भी 4 लोग हैं, अब 4 लोग फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखो एक्चुअली में पार्टी को ना कार्यकर्ताओं से मोहब्बत है, अभी तक पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे ना किसी ने कम्प्लेंट नहीं किया था, अभी हमने लिखित में कम्प्लेंट दिया है। कम से कम 35 से 35 कार्यकर्ताओं ने लिखित में, राइटिंग में, अपने लेटर पेड पे लिखित में कम्प्लेंट दिए है। ये 20-25 दिन हो चुका है, उसके बाद क्या आश्वासन आपको? उसके बाद आश्वासन यही मिला है कि जल्द से जल्द हम भिवंडी आएंगे और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे। क्या बात है तुम्हारा, मतलब क्या बात रखना चाहते? देखो मैं सादाब उस्मानी के साथ जुड़ा था, और सादाब उस्मानी है ना, सादाब उस्मानी ऐसा नेता नहीं चाहिए। क्यों मालूम है? सादाब देखो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब है कि आपस में इत्तेहाद। तो ये बंदे ने ना ये इत्तेहाद को तोड़ा है, सबसे पहले ये इत्तेहाद को तोड़ा है। अभी हम लोग जितने भी कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ते हैं तो इनका क्या काम है, अध्यक्ष है, कारगुजार सदर है, तो उनको क्या करना चाहिए, आपस में मिलाना चाहिए कि अगर एक वार्ड में 2-3 लोग जुड़े हैं तो 2-3 लोग आपस में मिल के काम करो। लेकिन इस बंदे ने क्या करता था मालूम है, आपस में इनको भड़काता था कि ये आदमी सही नहीं है, वो आदमी से एक दूसरे को भड़का के उसके खिलाफ खड़ा करता था, और उससे मतलब कुछ भी जो फायदा है इसको खुश करके फायदा उठाना। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।